मेरा रियल अकाउंट टिकटॉक का है और इंस्टा का है, फेसबुक का मेरा अकाउंट नहीं है। इस बात को जहन में बिठाइएगा। अगर आपसे ऑनलाइन कोई फ्रॉड करता है या नंबर मेरा मेरी वीडियो लेके मेरा नंबर स्क्रीन पे चलाता है तो वो मैं नहीं हूँ और ना ही मेरा उससे कोई वास्ता है। मैं इनके चैनल के तवसु से बता रहा हूँ। ये भाई साहब जो है ना हमें वो कर रहे थे, भगा रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं आप आए वीडियो बनाए, तो ये ग्रेट है ये भी भाई माशाल्लाह से। और नहीं इन्होंने वाकई रिस्पेक्ट दिया, हम बाहर से वीडियो बनाए तो इन्होंने कहा अंदर आए और वीडियो अंदर से आके बनाए तो इन्होंने और भी ज्यादा। और एक बहुत ही अहम चीज कि सबसे ज्यादा जो है ना इंसान का अखलाक जो होता है ना वो बहुत यार अच्छा। पहली बात तो ये मुझे बहुत इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ कि आप आई और आपकी पहले मुझसे मुलाकात नहीं हुई। पहले तो मुझे बड़ा ये अफसोस हुआ इस चीज का। दूसरा ये अल्लाह ने आपके दिल में डाला कि आपने बीच रस्ते से पलटी मारी। बिल्कुल तो अल्लाह ये अल्लाह ने आपके दिल में डाला ना। तो हाँ तो आप जाती ही घर पे लाजमी सी बात है वहाँ पे बेड रिव्यू देती मेरा। हाँ क्योंकि आप बिल्कुल दिल आप दुखी होके जा रही थी तो लाजमी सी बात है आप अपना दुख यूट्यूब में निकालती। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। व्यूअर्स आज आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक नई लोकेशन और नई जगह और मैं आई हूँ एक नई जगह पे नई ऑफर के साथ। और मैं जिस जगह पर आई हूँ मैंने ये वीडियो देखी थी और वीडियो देख के मैंने जो है ना सर्च किया था कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए और यहाँ पर एक अच्छा सा एनवायरनमेंट और एक अच्छी सी डीलिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है मुझे। लेकिन इससे पहले बहुत ऐसा कुछ है कि जो मैं आपको आगे आगे वीडियो बताऊँगी, लेकिन आपको कहीं जाने से पहले हमारे चैनल को और साथ में जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं इनके चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और साथ में बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना बहुत बेल आइकन कर लीजिए ताकि आपके पास नई नई वीडियोज आती रहे। व्यूअर्स यहाँ पर मैं आई थी एक अपने एक ऑफ़र के हवाले से, मुझे एक ऑफ़र बड़ी अच्छी लगी थी कि मैं एक आईपैड जो है ना वो यहाँ से लेकर जाऊँ। मैंने सोचा था कि मुझे ऑफिस यूज़ में काम आती है, फिर हम वीडियोस भी बनाते हैं तो उस हवाले से हमने सोचा था कि हम एक अच्छी सी चीज़ जो है ना वो एक यहाँ से अवेल करें। बट वो हमारे साथ क्या हुआ कुछ ऐसा कि हम जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जब आए तो माशाल्लाह से काफ़ी रश हमें इस शॉप पर मिला था, लेकिन जो भाई थे वो थोड़ा सा बिज़ी थे क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह बहुत सारे हमारा कम्युनिकेशन अदर पर्सन से चल रहा था जो कि इसी शॉप का पर्सन है। और हम लोग जब एक पूछा और इतनी अहम बात जो मैं आपको बता रही हूँ व्यूअर्स, आप लोग भी मेरी तरह से धोखा नहीं खाइएगा। मैंने किया था एक और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मैं उस चैनल के तवस्सुस से मैंने जो ऑफ़र थी उस पर मैंने उनसे डील मारी, उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दी जो कि मेरे बजट में बहुत ज़्यादा रिजनेबल थी। तो मैं उस हवाले से यहाँ पर आई और जब मैं यहाँ पर काफ़ी देर खड़ी हुई थी मैंने नहीं बताया था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं किस हवाले से आई हूँ, तो मैं वापस हार्ड होके जा रही थी। बट दिल को कुछ ऐसा हुआ कि वाकई जब इंसान जेन्युइन हो ना तो आपको रियल फील होता है कि नहीं यार आपको एक बार कम्युनिकेशन करनी चाहिए। और कम्युनिकेशन जो होती है ना वो आपके जो बीच के जो तजाद होते हैं, बीच की जो एक दूरी होती है, जो गलत फहमी होती है ना उसको क्लियर करती है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ और ये हुआ कि मैं आई भाई के पास और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे ऐसे ऐसे ऑफ़र आपकी मैसेज पर मिली थी और मैं उस ऑफ़र को लेके यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं बहुत डिसहार्ट होकर चले गई थी। बट मैं आपकी एक अलग से वीडियो बनाने वाली थी कि नहीं आप लोग व्यूअर्स को कि नहीं चाहिएगा नहीं बोल के, बट व्यूअर्स मैं थी गलत। ठीक है, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। यहाँ पे memon.com42 रियल जो है आप उसकी वेबसाइट है, रियल जो उसका चैनल है उसको लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, देख कर के आपको कहाँ से। और कम्युनिकेशन करने से पहले आप नंबर को बिल्कुल कंफर्म कीजिएगा, मेरी तरह से धोखा नहीं खाइएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो अब मैं आपको उन पर्सन से मिलाती हूँ, उन भाई से मिलाती हूँ जो कि वाकई में ग्रेट है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, हमें बहुत रिस्पेक्ट दी, इवन कि हम उनके यहाँ पर शॉप के अंदर खड़े हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं भाई के पास। उनको हर किसी को परमिशन वाकई नहीं मिलती है, बट कि हमें परमिशन मिली और हम यहाँ पर मौजूद हैं। चले आए, मैं अपने ऑफिस से टाइम निकाल के भाई के पास स्पेशली आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? भाई आपके पास हम आए एक गलत फहमी लेकर जा रहे थे। अच्छा, आपको खुद को कैसा फील हुआ? यार पहली बात तो ये मुझे बहुत इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ
कि आप आई और आपकी पहले मुझसे मुलाकात नहीं हुई, पहले तो मुझे बड़ा ये अफसोस हुआ इस चीज़ का, दूसरा ये अल्लाह ने आपके दिल में डाला कि आपने बीच रस्ते से पलटी मारी है। बिल्कुल, तो अल्लाह ये अल्लाह ने आपके दिल में डाला ना, तो हाँ तो आप जाती ही घर पे लाजमी सी बात है वहाँ पे बेड रिव्यू देती मेरा, हाँ क्योंकि आप बिल्कुल दिल आप दुखी होके जा रही थी तो लाजमी सी बात है आप अपना दुख YouTube में निकालती। तो अल्लाह ने आपके दिल में डाला, नहीं यार एक बार मेमन भाई से मिला जाए, तो हम हर किसी को परमिशन भी नहीं देते, हमने इनको परमिशन भी दे दी, ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो इन्होंने किसी फेक अकाउंट पे इनका रब्ता हुआ और उस फेक अकाउंट ने बहुत ज़्यादा इनको सपने दिखाए कि हम लोग ऐसे ऐसे आपको इतने रुपए में ये चीज़ें दे देंगे, लेकिन जब ये यहाँ पर आई तो इनको मैंने सारी डिटेल बताई, तो मेरे फेक अकाउंट इनको मैंने दिखाए, ये तो बिल्कुल हैरान हो गई कि सारे memon.com42 जी व्यूअर्स, आपको हम जो है ना वो चैनल पे दिखाएंगे अपने चैनल पे, स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल ब्लिंक करता रहेगा कि कौन सा memon.com42 है, आपने बिल्कुल इस नंबर को अपने पास से लिख लेना, ये आप नोट कर लें, ये भी हम दिखा रहे हैं और स्क्रीन पे भी आपको बिल्कुल शो होता रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली ओरिजिनल नंबर आएगा, आप भी धोखा बिल्कुल नहीं खाएगा। ये भाई साहब जो है ना हमें वो कह रहे थे, भगा रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं आप आए वीडियो बनाए, तो ये ग्रेट है ये भी भाई माशाल्लाह से, और नहीं इन्होंने बाकी रिस्पेक्ट दिया, हम बाहर से वीडियो बनाए तो इन्होंने कहा अंदर आए, और वीडियो अंदर से आके बनाए तो इन्होंने और भी ज़्यादा। और एक बहुत ही अहम चीज़ कि सबसे ज़्यादा जो है ना इंसान का अखलाक जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, और हमने यहाँ पर आधे पौने घंटे से खड़े हुए हमने इन भाइयों का रिस्पॉन्स अखलाक जो है ना वो देखा, तो वाकई माशाल्लाह ग्रेट, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छे से हर किसी को डील करते हैं, हर किसी को अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस और एक टाइम देते हैं जो कि बहुत वैल्यू रखता है। और लास्ट में मैं ये बताता चलूं भाई आप लोगों को कि मेरा रियल अकाउंट टिकटॉक का है और इंस्टा का है, फेसबुक का मेरा अकाउंट नहीं है, इस बात को जहन में बिठाइएगा। अगर आपसे ऑनलाइन कोई फ्रॉड करता है या नंबर मेरा मेरी वीडियो लेके मेरा नंबर स्क्रीन पे चलाता है तो वो मैं नहीं हूँ और ना ही मेरा उससे कोई वास्ता है, मैं इनके चैनल के तवसु से बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे 3 नंबर हैं, अगर इन 3 नंबरों से आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या कोई जालसाजी या कोई धोखेबाजी इन 3 नंबरों से होती है तो उसका मैं जवाबदार हूँ, बिल्कुल वो मैं भर के दूंगा, मैं जुर्माना भर के दूंगा, आप उस पर मुझ पर केस भी कर सकते हैं, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं इन 3 नंबरों पे, इसके अलावा मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। ये बहन भी हमारे पास से इस तरह नाराज़ होकर जा रही थी, फिर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मेरे पास आई, मुझसे मिली, लास्ट रिव्यू आपको ये देंगी, हम कैसे हैं ऑन द कैमरा, कैसे हैं ऑफ द कैमरा, हम कैसे हैं, लास्ट रिव्यू आपको हमारा ये देंगे। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, अल्लाह जिसे इज्जत देते ना बेशक वही है जो कि आपके दिलों में डालता है, और वही चीज़ हमारे साथ हुआ है, हम डेफिनेटली बिल्कुल वाकई हम चले गए थे और हम पलट के आए, तो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी थी, अल्लाह ने इनको बिल्कुल क्लियर रखना था, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम जो है ना वो इस तरह की वीडियो बनाएंगे कि नहीं ये एक फ्रॉड है धोखा है, बट अल्लाह ने इनको क्लियर रखना था, अल्लाह ने इनको इज्जत दी है तो अल्लाह और इज्जत दे इनको, हमारी सबकी दुआएं हैं, आपके सबकी दुआएं जो है ना वो होनी चाहिए भाई के साथ, तो इनको जो है ना अपनी दुआओं में याद रखा करें, इनके चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, इन्हें बहुत से ज़्यादा इनके इंस्टा पे, इनके टिकटॉक पे, इनके यूट्यूब पे, हाँ इनका फेसबुक पे कोई अकाउंट नहीं है, जैसे कि मैंने धोखा खाया तो आप बिल्कुल भी कोई धोखा नहीं खाइएगा मेरी तरह, मैं आपको बार बार ये रिमाइंड कर रही हूँ, आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आयजा हुज़ैफ़ा आयजा व्लॉग हमारा है, दूसरा आप चैनल जो है उसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स दीजिएगा, वो है memon.com42 और इस पे नंबर, अच्छा 2 भी है, चलो वो 2 पे कोई अच्छी ऑफर है, 2 पे भाई कोई अच्छी ऑफर है, रीज़न है भी ले, ऐसी कोई ऑफर जो मेरे लाइक हो, चले बहुत शुक्रिया, भाई ने इतनी बड़ी बात की, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत दे, इनको बहुत ज़्यादा कामयाब है, तक सब भाइयों से कहूँगी कि साथ मिलके इनके लिए आमीन बोले और सब इनको दुआ में याद रखें। ये देखें सारे भाई माशाल्लाह से आए हुए और इतना ज़्यादा रश है। तो व्यूवर्स आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें अपने जो व्यूज़ लाजमी दीजिएगा, सिर्फ हमें हमारे चैनल के हवाले से नहीं,
मेमन भाई साहब के जो है ना चैनल के हवाले से और मेमन भाई साहब के हवाले से भी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको खुद भी एक हमारे एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस हासिल हुआ है या नहीं, तो उसकी ज़रूर आप हमें बताइएगा। तो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।